वंदे मातरम साथियों, आज के इस दौर में हम गोरा होने के चक्कर में हज़ारों रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं जो काले को गोरा बना दे। इस वीडियो में बताया गया है एक ऐसा ही छोटा सा नुस्खा जो वास्तव में हमें गोरा बनाता है। तो आइए राजीव भाई से जानते हैं वो नुस्खा क्या है। यही हड़क रक्त का भी शोधन करती है। नियमित रूप से हड़क का दूध आप पीते रहें या बच्चों को हड़क का दूध पिलाते रहें तो रक्त में कभी भी कोई दोष नहीं आता, रक्त में कोई विकार नहीं आता, और रक्त विकार ना हो तो शरीर में कोई रोग नहीं आता आसान। और हड़द एंटीवायरल है, एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है। पांच गुण एक साथ हड़द में है। कहीं चोट लग गई है तुरंत हड़द लगा दीजिए, खून बंद हो जाए। सेवलॉन लगाने की जरूरत नहीं, कोई एंटीसेप्टिक क्रीम लगाने की जरूरत नहीं। और जिनके शरीर को, ये बात को आप गंभीरता से और ध्यान से सुनिए, जिनके शरीर को रंग साफ करना है, माने आपको ऐसा लगता है कि आपका रंग थोड़ा डार्क है, थोड़ा ब्लैक है, थोड़ा काला है, आप थोड़ा गोरा होना चाहते हैं, रंग साफ करना चाहते हैं, तो हड़द से अच्छी कोई वस्तु पूरी दुनिया में नहीं। जिनको रंग अच्छा करना है अपने शरीर का, नियमित रूप से हड़द खाइए, दूध में डाल के, नहीं तो पानी में डाल के, नहीं तो मध में मिला के, रंग नियमित रूप से आपका साफ होता जाएगा। दुनिया में जो काम कभी भी फेयर एंड लवली नहीं कर सकती वो हड़द कर सकती। वही आधा चम्मच नियमित रूप से लेना पड़ेगा, ज्यादा दिन तक लेना पड़ेगा। फेयर एंड लवली तो कुछ नहीं करती, मैंने फेयर एंड लवली को लगा के देखा एक मशी को, चार साल रगड़ रगड़ के, वो मशी अभी भी काली की काली। इसलिए फेयर एंड लवली तो कुछ भी नहीं करती, ये बकवास है और टीवी में बोगस जाहिरात है। और महंगी इतनी आती है फेयर एंड लवली, 25 ग्राम 40 रुपए की है, तो हिसाब निकालेंगे तो 1600 रुपए किलो आती। अभी 1600 रुपए किलो की फेयर एंड लवली लाए, उससे अच्छा है 20-25 रुपए किलो हड़द ले आइए, उसकी ताकत बहुत है। और आपको एक और माहिती देता हूं, जिनको शरीर की तकलीफ ऐसी है कि सूर्य के प्रकाश में थोड़ा भी निकले तो त्वचा में जलन होने लगती है, इन सब लोगों को मेरी विनती है कि हड़द लगाइए। हड़द लगा के आप बाहर निकलिए, कभी भी त्वचा में जलन नहीं होगी, सन बर्न कभी भी नहीं होगा, सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।